हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 18 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, फिलहाल क्या सिचुएशन बनी है। एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल पैटर्न बन गया है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चैनल पैटर्न एक बन गया है, इस चैनल पैटर्न को ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि मार्केट में एक रैली हम लोग को नज़र आ रही है। यहाँ पे 1:1 हम लोग को मिल गया है, उसके बाद ये आके फिर से एक नया बॉक्स बनाया है, देखिए दो बॉक्स बैक टू बैक बन चुका है। तो अभी हम लोग एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फास्ट वाली रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की हम लोग एक रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो एक फास्ट रैली एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी बीच में देखेंगे कोई हडल नहीं है, लगभग लगभग 3230 के आसपास तक कोई हडल है नहीं हमारे पास, राइट। कोई ऐसा एज सच स्ट्रॉन्ग हडल नहीं है, तो हम लोग 3220 से लेके 3240 के लेवल में यहाँ पे एक रैली देख सकते हैं कल के दिन या फिर आने वाले एक दिन बाद, ठीक है। तो इस तरीके से एक रैली हो सकती है जो कि इसको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से लेके आ जाएगा। फिर से इस रैली के पास हो सकता है कुछ इस टाइप से एक दो दिन मोमेंटम करें और उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करें, या फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे ओपन होते ही हमें मौका मिलेगा नहीं, ये ऊपर की ओर निकल जाएगा और फिर इन लेवल्स के आसपास आने के बाद यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे फिर ऊपर मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करके फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बायर्स ये चाहेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन का लास्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला था उस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाए ताकि यहाँ पे सेलर्स फिर से एंट्री ना ले। तो ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी हमारे लिए बन चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर 3135 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो हम लोग के लिए पहला टारगेट होगा 3150 का, ठीक है। एंड जो ऊपर की ओर सेकेंड टारगेट हमारे लिए होगा, ऊपर की ओर जो हमारे लिए यहाँ पे सेकंड टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, वो हमारा सेकंड टारगेट होगा लगभग लगभग 3160 का, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर के लिए दो टारगेट है। अगर नीचे की हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे तो नीचे अगर देखिए आप, अगर 33094 को नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो लगभग लगभग हम लोग नीचे की ओर 3080 तक का एक टारगेट देख सकते हैं। तो इस तरीके से कल के दिन ये प्राइस एक्शन दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई हुई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।